साथियों चुनावी दौर चल रहा है, इस चुनावी दौर में कांग्रेस के जेवर से प्रत्याशी मनोज चौधरी जी और दादरी से आम आदमी के प्रत्याशी रहे संजय भैया भी भाजपा में शामिल हो गए। उनके यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और अमित शाह जी की सभा में, हालांकि अमित शाह जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया मौसम की वजह से, वहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और कई विधायक और सांसद की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। देखें कार्यक्रम कहाँ उन्होंने सदस्यता ली और क्या बोले तेजपाल नागर जी और संजय भैया और मनोज चौधरी जी। पार्टी और प्रत्याशी जेवर कांग्रेस पार्टी, उनका स्वागत और अभिनंदन। संजय भैया आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल किया गया है, उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी के इस चुनाव प्रचार में सभी हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और जेवर के प्रत्याशी भाई मनोज चौधरी जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारा भी स्वागत और अभिनंदन है। देखिए इन दोनों भैया के आने से पहले तो बता दूं, प्रधान महेंद्र जी तुगलपुर वाला का हमारे गुर्जर समाज में और अन्य सभी समाजों में एक बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग उन्हें देखते हैं। ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। आज इन्होंने एक चेयरमैन है बिलासपुर के संजय भाई और मनोज चौधरी जी हमारे जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, इनके दोनों भाइयों के आने से दादरी विधानसभा में और जेवर विधानसभा में हमें बहुत बल मिलेगा। जो हम ऊंची जीत जीत रहे थे उसमें और चार चांद लगेंगे और अब असलियत तो यह है, अनुमान ही नहीं लग पा रहा कितनी सीटों कितनी वोटों से जीतेंगे। ये जीत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मेरे साथ जो एनटीपीसी के ठाकुर समाज के लोग हैं, छत्री समाज के लोग 70-80 लोग आज सुबह डॉक्टर साहब के आवास पर हम मिले, सब ने बिल्कुल एक करबद्ध प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल मन से तन से धन से आपके साथ हैं और डॉक्टर साहब की उधर लहर चली हुई है बहुत, जैसे मोदी जी की लहर चली हुई है, माननीय योगी जी की लहर चली हुई है, तो लोग माननीय मोदी जी की नीतियों से और माननीय योगी जी की नीतियों से जो उनने जनता के लिए काम करे हैं 10 साल में और 7 साल में, उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग, बहुत सम्मानित लोग जो अच्छे अच्छे पदों पर रहे, जिनका एक असर है, जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोग ने भाजपा ज्वाइन करी है। बेगराज गुर्जर जी हैं, माननीय मदन चौहान जी पूर्व मंत्री, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो भाजपा ज्वाइन करी है, इससे भाजपा को और बल मिलेगा और इनके भाजपा ज्वाइन करने पर मैं इनका हृदय स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई आम आदमी पार्टी से है, मनोज चौधरी कांग्रेस से है, एक तरह से झटका लगा है इंडिया गठबंधन। देखिए विपक्ष बिखर चुका है, ये घमंडिया गठबंधन है, लोग मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा में आ रहे हैं और लोग जो देख रहे हैं इनके कारनामे देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारनामे देख रहे हैं, परिवारवाद के कारनामे देख रहे हैं और देख रहे हैं जनता के हित में चाहे मुख्यमंत्री रहे चाहे कोई और पद पर रहे किसी पार्टी में, वो जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे, केवल भ्रष्टाचार परिवाद को आगे को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज ये दोनों भैया आप छोड़ के कांग्रेस छोड़ करके इन्हें भाजपा शामिल कर लिया, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मनोज जी आज आप एक नए परिवार में शामिल हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, मेरा समाज पूरा पहला ही परिवार है, ये सब हमारे बीच के लोग हैं। बाकी जो भाजपा देश के लिए विकास का कार्य कर रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो दूसरी पार्टी कर नहीं सकती, और हमें देश का विकास और देश किसकी बात करिए, हम देश के भी तो रह रहे हैं, उसी के साथ हैं, हम भी भाजपा के साथ हैं। आदरणीय मोदी जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं उनके साथ हैं, आदरणीय योगी जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं उनके साथ हैं, आदरणीय हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी जिस तरह से अपने क्षेत्र को आगे लेकर चल रहे हैं, हमारे विधायक और सुशील आदरणीय तेजपाल नागर जी जिस तरह से पूरे समाज में वो लोगों का सम्मान और काम करते हैं, उन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, उनके साथ हैं। संजय जी आप आम आदमी पार्टी से दादरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अचानक कैसे मोह भंग हो गया? जो मोदी जी की और शाह जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर काम देखते हुए, विकास देखते हुए, और जो मेन जो हमने अपना क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो डॉक्टर साहब का जो लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि पिछली दो बार दो सीट दो योजना रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तभी जनता वोट दे रही है, और हर बार आप ये देखिए हर बार जो वोट का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है,
तो पिछली बार अगर 3.5 लाख से जीत के आ रहे थे, इस बार तो आंकड़ा 10 लाख पार सीधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं तभी जुड़ रहे हैं, नीतियां देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, कार्यशैली देख रहे हैं, विचारधारा देख रहे हैं, सबको देखते हुए जुड़ रहे हैं और हम भी जुड़े हैं उसी चीज़ को देखते हुए। और आश्वासन, क्योंकि विधायक जी का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे साथ, और हम भी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जिस उम्मीद और आशा भरोसे के साथ हमें जोड़ा गया है उस पर कहीं हर तरह से खरा उतरने की हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। विकास किरण है वो धरातल पर पहुंच रही है। बिल्कुल।